अनलॉक वन के दौरान अपराधों पर रोकथाम के मद्देनजर आईजी विवेक शर्मा ने पुलिस को नशा करने वालों की चेकिंग करने एवं शहर में नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इंदौर आईजी के अनुसार नशा करने वालों एवं बेचने वालों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हर थाने पर अपडेट रहे एवं ऐसे लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से कड़ी कार्यवाही की जा सके, जिससे संभावित अपराध घटित होने से पूर्व ही रोके जा सकेंगे। इंदौर आईजी ने अवैध रूप से नाइट्रोवेट व अल्फ्राजोलम आदि टेबलेट बेचने वाले ड्रग डीलर्स पर भी पुलिस को ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। अनलॉक 1.0 के दौरान जो अपराधियों पर आपके द्वारा निर्देशित किया गया था कि कड़ी कार्रवाई की जाए, सर उससे कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल हुआ है, सर किस तरह की जो आपके निर्देश थे और आगे सर आपने किस तरह से अधिकारियों को दिए? देखिए, लॉकडाउन अनलॉक 1.0 के दौरान क्योंकि मूवमेंट हो गया था, बिजनेसेस रिज्यूम कर रहे थे और कई लोग इस दौरान बाहर से भी आए हैं, थोड़ा सा इन परिस्थितियों के कारण बेरोजगार भी हुए होंगे, तो ऐसा ये था, आशंका थी कि इसमें क्राइम बढ़ेगा और ऐसा कई जगह पे देखा भी गया है। परंतु हमने यहाँ इंदौर में हमने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो इस तरह की घटनाएं कारित कर सकते हैं। हमने एक व्यापक मुहिम चलाई जिसमें हमने पूर्व में जो हमारे स्थायी वारंटी थे, जो सजा याफ्ता लोग थे, पैरोल पे जो छूट के आए थे, तो ऐसे आपराधिक प्रकरण प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध हमने एक मुहिम चलाकर, हमने रातों में कोम्बिंग गश्त कराकर, सब थानों ने, क्राइम ब्रांच ने धरपकड़ कर उनको जेल पहुँचाया, जिसकी वजह से एक तो अपराधों में, सभी तरह के अपराधों में, हत्या में, हत्या के प्रयास में, चोरी में, इस गृह भेदन में, इस तरह के सभी अपराधों में एक तरफ तो गिरावट आई है। जब हम जून को पिछले साल के जून से कंपेयर करते हैं तो उसमें गिरावट परिलक्षित हुई है, काफ़ी गिरावट आई है। इसके साथ ही जितनी भी बड़ी घटनाएँ अनलॉक 1.0 के दौरान हुई, चाहे वो दो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएँ हों, चाहे वो चेन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे वो सीरियल लूट जो चाकूबाजी के दौरान के साथ कारित की गई थी वो हो, चाहे वो एक जो सेंसेशनल मर्डर जूनी में हुआ हो वो हो, उन सभी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और अपराधियों को, पूरे सारे अपराधियों को पकड़ा है। इसके साथ ही एक गैंग ऐसा पकड़ा जो कि एक्साइज वालों को टारगेट करना चाह रहा था, एक गैंग ऐसा पकड़ा जिसने कि हमारे सीमावर्ती जिलों में कई लूट करी थी और वहाँ से भाग के यहाँ आ गया था, उनको भी पकड़ा है। इसके साथ ही बहुत सारे अवैध शस्त्र निर्माताओं को पकड़ा है, एक रिकॉर्ड सीजर हुआ है आर्म्स एक्ट के अंदर, जिसमें आप अगर देखें तो इसी जून के महीने में 1 जून को हमने 35 हथियार पकड़े, फिर हमने 11 जून को 38 हथियार पकड़े और अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा 40 हथियार हमने, अवैध हथियार खरगोन में पकड़े हैं। तो ये लगातार मुहिम ये पुलिस की जारी है ताकि हम अपराधियों को बाहर निकलकर अपराध करने का मौका ना दें, उससे पहले ही हम उनको पकड़ लें। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे कम उम्र के लड़के नशे में, खासकर ये जो अल्फ्राजोलम और जो नाइट्रावेट टैबलेट्स हैं, इनका सेवन करने के बाद अपराध कारित कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने मुहिम चलाई है कि अवैध मादक पदार्थ जो हैं उनका सेवन करने वाले, उनका विक्रय करने वाले और इस तरह से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये जो ड्रग्स हैं, जो इस तरह की जो लोगों को डोप करती हैं, जॉम्बी बना देती हैं और उसके बाद वो अपराध करते हैं, वो ड्रग्स जो कोई इस तरह से अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल करेगा तो उन ड्रग स्टोर्स के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। इसकी एक मुहिम हमने चलाई है, मैंने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है, आज भी हम इसको करेंगे कि 9 बजे से 5 बजे जब बाहर सबका घूमना प्रतिबंधित है तो ऐसे में पुलिस के द्वारा सख्ती की जाएगी और अगर बिना किसी वाजिब कारण के अगर कोई व्यक्ति घूमता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से मेरा सिर्फ पुनः यही अनुरोध है कि इस समय पे फिर भी पुलिस सक्रिय है, पर फिर भी वो अगर सावधानी बरतेंगे तो हमारी और अधिक मदद होगी। अंधेरी गलियों में बेसमय घूमने से बचें और कोई शॉर्टकट्स जो इस तरह के, जैसे कई बार हम लेते हैं
जिसमें कि कई बार क्रिमिनल्स घात लगाए बैठे होते हैं, उसमें अकेले ना जाएं। महिलाओं से भी अनुरोध है कि जैसे वो चेन जब बाहर निकलती हैं तो चेन को कवर कर सकते हैं वो चुन्नी दुपट्टे से, तो वो उसको स्नैच करना मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल पे भी जैसे लोग घूमते हैं, बात करते हुए घूमते हैं, तो दे शुड बी केयरफुल। मोबाइल स्नैचिंग इसी तरह से कारित की जाती है। तो लोगों से भी, प्लस इसी तरह से बैंक से जब कैश लेके निकलते हैं, थोड़ा सा आसपास पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए। पर अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सेफ रहेंगे और आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर ऐसी कोई शंकास्पद आपको लगता है कि कोई परिस्थितियों में लोग खड़े हुए हैं, बाहरी लोग हमारी जगह आके खड़े हुए हैं, जो लड़के ये मोटरसाइकिल पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप पुलिस को सूचित करेंगे तो निश्चित रूप से हम और बेहतर एक सुरक्षित वातावरण आपको प्रदान कर पाएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।